बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो आग लगाई थी तुमने उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। काफी देर से नॉक कर रहा था, मैं आपसे पूछना था कि आपसे जो भी कुछ पूछना हो शाउदीन, दरारा से पूछना, उसकी मुट्ठी में बंद है तुम्हारा बाप। यही कहती थी ना मैं शुजाउद्दीन, सबको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो डैडी को दूसरी शादी क्यों करने दी, और अब आके मुझे कहा जाता है कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वक्त बेवक्त क्या बाजा बजता रहता है, बोलने भर के सुनाना जरूरी है क्या? मेरे बोलने और शुजा के बाजे पर तो पाबंदी लगा दी सलाहुद्दीन, लेकिन तुम्हारी दिलारा जब सरे शाम गा रही थी तो मुझे सारे दरवाजे बंद करना पड़े। पता नहीं कहां से उजलवा के लाए कमबख्त मीरू। मैं तो कहती हूँ वजन घट गया है, चांदी निकल गया होगा, कमबख्त ना मुराद। क्या बात है सलाहुद्दीन? सारा दिन घर के इंतजाम में लगी रहती है, थक जाती होगी, क्यों करती है इतना काम? क्या बात है सलाम? सलाम, मेरे कहने का मतलब ये था कि अब आपको आराम करना चाहिए, घर का इंतजाम देखने को दिलारा है ना, क्यों भी बेकार सारा दिन घर में पड़ी रहती है, उसको दिल लग जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। सोच रहा था इस घर की बहू है, उसका हक है कि आज के बाद घर का सारा इंतजाम दिलारा देखेंगे। लास्ट बेटी कमजोरी हो गई है, बर्तन हाथ से छूट रहे हैं। खानम, 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 मैं काफी देर से नॉक कर रहा था, मैं आपसे पूछना था कि आपसे जो भी कुछ पूछना हो शाउद्दीन, दरारा से पूछना, वो ही इस घर की मुख्तार कुल है, समझना खानम मर गई। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस घर की मालिक है, अब हम सब उनकी मर्जी से जिएंगे, उसकी मुट्ठी में बंद है तुम्हारा बाप। यही कहती थी ना मैं शुजाउद्दीन, भाई अगर ये रोज रोज फ्लैश हो रहे हैं तो टायर बदलवा लो, इसका मतलब है पुराने हो गए। कुछ भी हो, माँ के बाद उन्होंने ही हमें और घर को संभाला है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, मैं एहसानमंद हूँ उनका। जब बेवा होकर इस घर में आएंगी तो मैंने घर, तुम दोनों, सब कुछ उनके हवाले कर दिया था, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है, दिलारा इस घर में आ चुकी है, और बात बेबात खानम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। बहरहाल मैं उसे
बीवी की हैसियत से इस घर में लेके आया हूँ, और जब वो दिल से इस घर को अपना घर मान रही है तो हमें उसका मकाम उसको देना चाहिए। यूं तो किसी मुलाजिम को भी नहीं रिप्लेस किया जाता, इस बात का सदमा है और वो आपकी बहन है, क्या उनका कोई हक नहीं है? उनका हक मैंने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन पहला हक दिलारा का। और सुनो, तुम इन फजूल बातों पे तवज्जो देने की बजाय बाहर जाके मजीद एजुकेशन हासिल करने के लिए सोच सकते हो। चलिए रख दे, नवाब साहब हो गया। खुदा आप समझते हैं नवाब साहब मेरे कहने पे सब कुछ बोल रहे हैं? जैसे आपको लगता है कि सुबह खत वाली बात में इस पे मैंने कही थी खानम से। खानम ने वो खत खुद पढ़ा था। मैं जानती हूँ आपने उनसे कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानता हूँ कि ये सब आपने करने को कहा डैडी से। सबको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो डैडी को दूसरी शादी क्यों करने दी? रोक लेते। आपने उनसे कहा नहीं कि अपनी उम्र की औरत से शादी करें? और जब वो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर रहे थे तब कोई कुछ क्यों ना बोला? और अब आके मुझे कहा जाता है कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर रही हूं। अब जो हुआ सो हुआ, क्यों अपना दिल जला रही हैं? मजे से रहिए, ऐश कीजिए। खाक मजे कर सकता है कोई इस घर में? सुबह से लेकर शाम तक दीवारें गिनते रहो, पिंजरे में बंद होकर बैठे रहो। अभी तो मेरी ड्यूटी है, 6 बजे आता हूं, फिर ताश खेलेंगे। हार जाओगे? नहीं हारूंगा। हार जाओ। लगी शर्त? थके। ये तो होना ही था, अब 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे भी। जान तो मेरी घुलेगी ना। खानम साहब को कहा कि गोश्त आ गया है, आकर देख लीजिए। कहने लगी वो जो घर की मालकिन बनी फिर रही है उसको बोल। बात तो इंसाफ की है खानम साहब ने, नवाब साहब इस घर के मालिक और उनकी बेगम मालकन। मर्द की यही तो शान होती है, इसीलिए तो तुझे कहता हूँ मेरी हो जा, मेरा सब कुछ तेरा। मेरू तुझमें से है क्या जो मेरा हो जाएगा? मैं तेरा हो जाऊंगा ना। भाई वाह, बड़ी नायाब शह है तू मेरू। नाली का कीड़ा, ना माँ का पता ना बाप की खबर। तो नसीब नसीब की बात है, वरना मेरे दोनों माँ बाप सैयद थे सैयद। तू जिस अनाज को हाथ लगाता है ना, मैं उसे 10 बार धोती हूँ। फिर बोल नाली का कीड़ा। हाँ बोलते नूरन, नहीं तो कसम से मैं कम्बा अभी छुरी नजर सो जाती। और कुछ मंगवाओ तो पूछ लेना मुझसे, और यूं भर भर के मंगवाने की जरूरत नहीं है। गिनकर 4 लोग तो रहते हैं इस घर में, अब नवाब साहब दिए जाते हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि बाकी सब उड़ाकर फूंकते? ये खानम साहब ने भेजी, बाहर के जो स्टोर हैं उनकी चाबियां।
नौकरों के हाथ में घर की चाबी देना कौन सी अच्छी बात है खानम? आप तो खामखा ही नाराज हो गए। अब शादी के बाद शौहर की हर चीज पे बीवी का ही तो हक होता है, आपको भी तो मिला होगा ना वो हक। आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ, खुदा आपके भाई को हमेशा सलामत रखे। अब जब तक वो हैं, मुझे इस घर की मालकिन बनकर रहने दें। आप इस घर की बुजुर्ग हैं खाने, सब काम आपके मशवरे से होते हैं। आपके मशवरे के बगैर मैं कुछ ना कर सकूंगी। मारा भाई वाह, क्या सूची है तेरे को भी। अरे भाई, औरत को मालकन बना दो तो वो खुद ही अपने शोहर की हो जाती है। समझो अब उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सिक्का जम गया। यार वाड़िया, वो कोई आम औरत नहीं है। अब पता नहीं मेरा ये तरीका उस पे कारगर होता है या नहीं। अरे खुदाई ना कसम, हर औरत आम औरत होती है। अब तुमने इस उम्र में ऐसा हाथ मारा है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना नवाब साहब। अल्लाह अल्लाह भी अल्लाह। मैं तो शर्त जीत गई। अब देखना यह है कि एक नवाब ज्यादा शर्त में क्या हारा। आप मांगिए जो चाहती हैं। मुझे गिटार बजाना सिखाओगे? तरस खा लिया मुझ पे, शर्त आसान कर दी। मैंने आपको गाते हुए सुना है, और जिसका सुर इतना पक्का हो उसे तारें बजाने में क्या मुश्किल। क्यों तरस खाया आपने? आपकी माँ जो कुछ सुनाएंगी, आप बजाओगे? तो चलिए। ये वक्त बेवक्त क्या बाजा बजता रहता है? बोलने भर के सुनाना जरूरी है क्या? मेरे बोलने और शुजा के बाजे पर तो पाबंदी लगा दी सलाहुद्दीन, लेकिन तुम्हारी दिलारा जब सरे शाम गा रही थी तो मुझे सारे दरवाजे बंद करना पड़े। ये घर संभालेंगी, इन्हें तो अपने गाने बजाने से फुर्सत नहीं। वैसे खानम साहब, दुल्हन का गला है बहुत अच्छा। हाँ भाई, अब नवाबों की दुल्हनों के तौर तरीके और शराफत की बात नहीं होगी, उनके सुर और गले की तारीफ होगी।
शुक्र है कि अब्बा मियाँ जिंदा नहीं है सब देखने को। उनके वक्त में तो औरत की आवाज हवेली से बाहर ना जा सकती। अरे हम तो मिलाद भी पढ़ते थे तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके। बड़े नवाब साहब की अपनी बात थी खानम साहब। हाँ मगर सलाहुद्दीन में वो बात नहीं। अरे मैं तो बेटी होकर उनका नाम सर पे सजाए बैठी और इन्हें खानदान की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। लाहौल वाला कुवत, इधर दोनों वक्त मिल रहे हैं और उधर ये तमाशा हो रहा है। ये शज्जू मियां भी ना बड़े भोले हैं, दिलारा की बातों में आ जाते हैं। नूरन जाकर जोड़ी का दरवाजा तो बंद करो, कम से कम बहू की आवाज तो बाहर ना जाए। सलाहुद्दीन ने अच्छा नहीं किया इस लड़की से ब्याह कर। ऐसी सुरीली लड़की ब्याह कर लाने के काबिल थी? जो नहीं जानते वफा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ। क्या ही है ना, खामोश क्यों हो गई? आप भी गाओ मेरे साथ। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। फोन बाद में भी सुना जा सकता है। कोई आपसे बात करना चाहता है। कोई इंतजार कर सकता है। कोई रूठ गया तो? रूठ जाने दीजिए। नवाब साहब आ गए, मैं ना सामने दिखूं तो रूठ जाएंगे। जब नहीं उठा रहा तो बार बार क्यों फोन कर रही हो? कहीं बिजी भी हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पता हो कि किधर बिजी हूं। क्या हुआ? वो आपकी गाड़ी की आवाज सुनी ना तो यूं नंगे पांव चल गए। अल्लाह, इसकी तो खबर ही ना हुई मुझे। इलारा, ऐसा भी क्या दीवाना जी? मैं समझा था कि अपना हुलिया यूं बदल के शायद मैंने तुम्हें खुद से दूर कर लिया, लेकिन आज एहसास हुआ कि खुद को थोड़ा सा बदल के अच्छा किया मैंने, है ना? आपको लगता है कि आपके हुलिया बदलने से मेरे सारे गम दूर हो जाएंगे नवाब साहब?
जारा तुम्हें इस शादी का गम है ना? नहीं, अब्बा जान के मर जाने का गम। अगर वो जिंदा होते तो मौत पे किसी का क्या बस है दिलारा? किस्मत पे भी किसका बस चलता है नवाब साहब? ये देख लो, तुम्हें पाके मेरी किस्मत तो चमक गई ना। मैं खाने का कहती हूँ, आप हाथ मुंह धो के आ जाइए। हम शादी करेंगे बहुत जल्द, as soon as possible। क्या कहते हैं शुजा जी? कुछ बोलते नहीं, बस मना करते रहते। पहले बाहर कुछ खा लिया होगा, खारिम ने खाना खा लिया? 3 बार कहलवा चुकी हूँ, सुबह से भूखी बैठी है। तो ये ठीक है? लगती तो ठीक ही है, शायद आपने सुबह जो कुछ कहा उसके बाद से। क्या बचपन है ये, कभी कभी हद कर देती है। खारिम देखता हूँ। खाना तो खा लीजिए। ऑफिस में खा लिया था, तुम खाओ। तो क्या बना कर रखोगे सलाहुद्दीन? बना के क्या? आप मेरी बहन हैं खानम। बहन या ऐसी मुलाजमा जिसे बूढ़ा होने पर बेदखल कर दिया जाता है कि किसी कोठरी में पड़ी रहे। हद करती हैं आप, कब से बूढ़ी हो गई आप, और ये मुलाजमा का जिक्र कहां से आ गया? हाँ भाई सलाहुद्दीन, उम्र में तो मैं छोटी हूँ तुमसे, और तुमसे ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। तुम तो जवान दुल्हन ब्याह कर लाए हो, मैं तो बरसों से बूढ़ी हूँ। अब ये बात में बात मुझे शादी का ताना क्यों लेती है? ब्याह का जिक्र तुम्हें ताना क्यों लगता है सलाहुद्दीन? सुबह से क्यों भूखी बैठी हैं आप? क्या कहा मैंने? यही कहा था ना कि घर का इंतजाम आप दिलारा के सुपुर्द कर दीजिए और खुद आराम कीजिए। यानी हर चीज से बेदखल होकर बैठ जाओ, मिट्टी की मूरत की तरह कोई इस घर को आग लगा दे और मैं खामोश बैठी देखती रहूं, एक लफ्ज भी ना बोलूं, ये मुझसे नहीं होगा सलाहुद्दीन। ऐसा कौन कहता है आपसे? वो कहती है जिसने ऐसा तार खींचा है कि तुम काठ के सिपाही की तरह अपनी बहन के खिलाफ तनकर खड़े हो गए। माफी चाहता खानम, आप भी तो बात बात पे उसे ताने देती हैं।
कैसी कैसी बातें कह जाती है। घर की बड़ी है, आपको उसके साथ नरमी और शफकत से पेश आना चाहिए। तो तुम्हारी यही मर्जी कि मैं किसी बात में ना बोलूं, ना कुछ कहूं, ना किसी से कुछ पूछूं, फिर ना कहना कि खानम आप घर में बैठी थी तो सलाह क्यों ना दी। ठीक है, मेरा बोलना इतना ही जहर लगता है तो मैं अपनी जबान बंदी रखूंगी। देखती हूं तुम्हारी दिलारा कैसे घर चलाती है। कैसे इम्तिहान में डाल रही है आप मुझे? इम्तिहान में तो हम पड़ गए हैं सलामती। ब्याह करते वक्त तुमने कुछ समझदारी का सबूत नहीं दिया। जैसी लड़की ब्याह कर लाए हो, एक दिन इस घर को आग लगाकर राख कर देगी। ये वक्त बेवक्त क्या बाजा बजता रहता है? मोहल्ले भर के सुनाना जरूरी है क्या? किसी के आराम का ख्याल नहीं है? मेरे बोलने और शुजा के बाजे पर तो पाबंदी लगा दी सलाहुद्दीन, लेकिन तुम्हारी दिलारा जब सरे शाम गा रही थी तो मुझे सारे दरवाजे बंद करना पड़े। बच्चे पर तो गुस्सा निकाल लिया, अब अपनी दुल्हन को रोककर दिखाओ तो मैं देखूं जिससे ना शर्म है ना लाज। तुम भी अपनी रवादारी और हया भून खाओ सलाहुद्दीन। नहीं नहीं दिलारा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें गाने से मना नहीं कर रहा हूं, वो तो खानम और खानम की परवाह न करो। तो आदत है ऐसी बातें करने की, तुम गाओ जरूर गाओ, बल्कि मेरे लिए गाओ। मेरा तो जी चाहेगा कि तुम गाओ और मैं बैठा अपनी कोयल को देखता रहूं। खानम चोटी से पकड़ के बाहर ना कर देंगे। लो, किसकी मजाल है जो ऐसा करे? बस तुम्हारा घर है, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, और अगर कभी कोई बात करे तो मेरा नाम ले लेना। चलो अब रोना बंद करो, शाबाश। ठीक है? हाँ भाई, ये आज एक क्लाइंट फीस दे गया था, ये संभाल लो। मैंने सोचा है आइंदा मैं अपनी कमाई तुम्हारी झोली में ही डाला करूंगा। क्लाइंट्स क्या कैश दे के जाते हैं? वकीलों का तो यही है। अरे मम्मी तो वकील थे ना, उन्हें तो आज तक इतने पैसे नहीं मिले। क्या हर बार इतने पैसे मिलते हैं? इतने इससे ज्यादा भी। तो फिर इस बार क्यों कम मिले? भाई कितने खर्चे हैं? बद्रुद्दीन के हॉस्टल की फी भी तो है, और फिर इतना बड़ा घर है उसको मेंटेन करने के खर्चा भी तो है ना। दिलारा किधर से घूम के आए हैं आप? कितनी सिगरेट पी रखी है, पता नहीं सिगरेट की बू है या पसीने की। उफ, तौबा तौबा। सॉरी, शायद वहाँ कोर्ट में बहुत देर बिजली नहीं थी, उसके पसीना ज्यादा आ गया होगा। फिर मैं आज आके नहा भी नहीं पाया ना, मैं अभी नहा के आता हूँ, चेंज करके आता। अब सलाहुद्दीन की डोर खींच कर
कम जर्फी वाला फैसला करवा लिया है तो फिर कैसी कम जर्फी खानम? अगर वो अपनी बीवी को थोड़ी अहमियत देते हैं तो क्या ये कम जर्फी कहलाती है? अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। होंठों पे कभी उनके मेरा आज़मिया, क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? इतना जार जार जो रोई हुई, ये तो होना ही था। दवा ली कोई? कोई दवा ही नहीं है। मैं बाजार से मंगवाता हूँ। रहने दीजिए, इस वक्त क्या मंगवाएंगे आप, बाजार भी बंद हो गया होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा, रात भर यूं तकलीफ में गुजारोगी? खानम से लेके आता हूँ, उनके पास होगी। रहने दें, वो तो पहले ही रूठी बैठी हैं। और शुजाउद्दीन को तो आप वैसे ही डांट चुके हैं, वरना उनके पास दवा होगी। डांट ही दिया है ना, क्या हो गया? बेटा है मेरा, बाप होने का कुछ तो हक बनता है। बात करता हूँ उससे। दिलारा दवा खा लो। ये काफी होंगे, एहतियातन ये बाकी गोलियां भी अपने पास रख लें, अगर जरूरत पड़े तो। तो आपको ज़हमत ना दूं। बत्ती बजा दीजिए, मैं सोना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। भाई ये भूख हड़ताल खत्म करो। कैसी भूख हड़ताल? वही जो कल से आपने और खानम ने कर रखी है। ये घर आपका, नवाब साहब आपके, मैं हारी आप दोनों जीते, बस अब खुश। ये लो चाय पियो। आपने क्यों तकलीफ की, घर में नौकर है ना। भाई आप रूठ गए थे तो आपको मनाने के लिए तो ये तकलीफ करनी थी। मैं क्यों रूठूंगा, और ना ही मैं किसी भूखर दाल पे। बच्चा तो नहीं जो सिचुएशन ना समझ सकूं। मेरे वालिद साहब जब आपसे शादी कर रहे थे तो मुझे आपके बारे में सब पता था, मुझे इस पे कोई एतराज भी नहीं था। डैडी को हक है खुश रहने का। और मुझे? मुझे हक है खुश रहने का? बिल्कुल है, सबको हक है। तो फिर लीजिए, आप भी मुझे नाश्ता करके खुश कर। खानम की बातों का बुरा खानम इस घर की बड़ी है, वो
उन्होंने अपनी तमाम उम्र आपको और बद्रुद्दीन को पालने में लगा दी। बड़ी खिदमत की है उन्होंने इस घर की और बहुत सी कुर्बानियां दी, इसलिए उनके स्टेटस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। इस घर में सबकी अपनी अपनी जगह है। मेरी मेरी क्या जगह है? आप बेगम नवाब सलाहुद्दीन। अल्लाह अल्लाह, इतना वजनी नाम, मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आके सहारा तो दे दो। बेगम नवाब सलाहुद्दीन होने के लिए मैंने तो कोई कुर्बानी ही नहीं दी, इसलिए अब इस घर पे मेरा कोई हक नहीं। कुर्बानी ही तो देकर आई हैं आप, वरना आज यहाँ क्यों होती? हाँ, न जाने कहाँ होती। खैर, इस घर में जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। आप ये खाना पीना छोड़कर मत बैठो। आखिर मैं कितनी बार ट्रे लेके आपके लिए जीने से चढ़ूंगी? कुछ तो ख्याल कीजिए, आखिर आपकी माँ हूँ। थैंक यू। नाश्ते की। भाई, एक ताश की बाजी क्या हार है? नवाबजादा शुजाउद्दीन ने खाना पीना छोड़ दिया। अब नहीं हारूंगा, अब नहीं खेलूंगी। देखेंगे देखेंगे। और मटर तो आप पूछे ही नहीं कि कितनी महंगी हो चुकी है। ये कोई मटर खाने का मौसम है? शुजाउद्दीन तो तरकारी को हाथ भी नहीं लगाते, वो बनाया करो जो सब खाते। इतनी महंगी तरकारी लाती हो और प्लेट में बच जाती, ये तो नुकसान है ना। उड़ाने के लिए तो नहीं कमाते नवाब साहब। दुल्हन आज क्या पकेगा? जो खानम कहेंगे उन्हीं से पूछ लीजिए। खानम आज क्या पकेगा? उन्हीं से पूछो जो तुम्हारी नई मालकिन है। अब सब कुछ उन्हीं के इशारे पर चलेगा। वो तो कह रही है कि वो ही होगा जो आप कहेंगे। ये बड़ा अच्छा ड्रामा करती है दिलारा। पहले मियाँ को लिखा पढ़ा के मेरे पीछे लगाकर हर चीज पर कब्जा कर लिया और अब मीठी बन रही है। आप खामखा बात को क्यों बढ़ा रही हैं खानम? और क्या ये सब घर के नौकरों के सामने करने वाली बात है? नूरन की अम्मा मेरी अम्मा जान के जहेज में आई थी, मेरी अन्ना थी वो, इसे इस घर में कोई नौकर नहीं समझता। फिर भी बात तो बढ़ाई जा रही है ना। तुम तो पल में तोला पल में माशा हो जाती हो दिलारा, बात इसी से बढ़ती है। अब सलाहुद्दीन की डोर खींच कर कम जर्फी वाला फैसला करवा लिया है तो फिर कैसी कम जर्फी खानम? अगर वो अपनी बीवी को थोड़ी अहमियत देते हैं तो क्या ये कम जर्फी कहलाती है? सलाहुद्दीन पहले भी एक बीवी भुगता चुका है, मगर उस वक्त तो ये नामर्दी ना दिखाई थी जो आज तुम्हारे कहे में आकर दिखा रहा है। पहली बीवी में मुझ जैसा दम ना होगा खानम। मैं नहीं चाहती आप अपना दिल इस घर से खराब करें जिसे आज तक आपने समेटे रखा। बहन, मैं तो अपने अल्लाह रसूल में लग गई, अब तुम जानो और ये घर जाने, चाहे जलाकर भस्म कर दो। मैं ऐसा क्यों करूंगी खानम? हम जिम्मेदारियां बांट भी तो सकते हैं। आप इस घर की बड़ी हैं, आपका मुकाम भी बड़ा है, कोई भी चीज आपके मशवरे के सिवा नहीं होगी। एक हंडिया भी बनेगी उसमें भी आपका मशवरा शामिल होगा। अपने मियाँ की कमाई अगर मैं अपने हाथ से खर्च करती हूँ तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है खानम? जन्नत की हर नेमत मिले मरहुमा भाभी को। इस घर में ब्याह कर आई थी तो कभी ऐसी तू तड़ाक ना हुई थी। खानदान खानदान का फर्क होता है। जिस तबके से तुम आई हो वहां पर
ऐसी छोटी सोची होती है जो यूं हाथ बढ़ा बढ़ा कर लड़ रही हो? मैं कहां लड़ रही हूं आपसे खानम, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूं। मरहूमा को जन्नत मिले, पर सुना है आपने उनको भी बहुत तंग करके रखा था। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।